चुनावी माहौल में नेताओं के वादों का सिलसिला जारी है, लेकिन आज जिस नेता को अपना कीमती वोट देने जा रहे हैं, क्या आपको चुनावी समय में उतरे उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी है? अगर नहीं है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम नॉ योर कैंडिडेट में, जिसमें आप अपने नेता को अच्छी तरह से जान सकेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर से बसपा प्रत्याशी सरोज कुरिल और बरेली से बसपा प्रत्याशी राजेंद्र गुप्ता की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कानपुर की घाटमपुर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी सरोज कुरिल के साथ हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। खास कार्यक्रम केवाईसी में आज हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के घाटमपुर विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी सरोज कुरिल जी, उनसे बात करते हैं। सरोज जी, आप किस आधार पर अपने वोट बैंक को देख रही हैं, वोट को देख रही हैं, जनता को देख रही हैं, क्योंकि कांग्रेस और सपा में गठबंधन हो चुका है? पहली बात आपको बता दें, कांग्रेस और सपा में कोई गठबंधन है ही नहीं, सब लोग अपने अपने प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। और यहाँ पर ये चीज़ पहले थी कि गठबंधन है, अब कोई गठबंधन नहीं है। और हम लोग का सिर्फ यही क्षेत्र में है कि जो एक इतने सालों से किस तरह से अत्याचार और कितना अपराध बढ़ गया है, उसके मद्देनज़र हम लोग ने, हमारे यहाँ बहन जी ने हमेशा जो कि वो अपराध मुक्त जो शासन करती हैं, उसी को मद्देनज़र रख करके हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं। और क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी बहन जी की हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल सख्त रखती हैं, उसी पे ही हम लोग काम करते हैं। अगर घाटमपुर की बात करें तो काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी वहाँ पे कौन सी दिक्कतें हैं जो आज भी पूरी नहीं हो पाई हैं जनता की? आप अच्छे से, आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार है और सपा के ही हमारे विधायक जीते हुए हैं। उन्होंने जिस तरह से काम कराया, पता नहीं क्या काम कराया है, पूरी जनता त्राही त्राही कर रही है। जिस भी गांव में जाइए तो ना तो सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, और कोई भी काम नहीं हुए हैं। अगर आप जीतती हैं और विधायक बनती हैं तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जनता की जिनको आप सबसे पहले एक प्रमुखता के तौर पर ख़त्म करना चाहेंगे? ऐसी कौन सी चीज़ें जनता की? सबसे मेन पानी की और अपराध बहुत है, जिसकी वजह से, इन दोनों चीज़ों की वजह से जो बहन जी हमारा, हम लोग के लिए जो दिशा निर्देश देती हैं, उनको सबसे पहले हम लोग मानते हैं। दूसरा, पानी की व्यवस्था के लिए, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, जाने कितनी कितनी दूर पानी लेने जाना पड़ता है। एक गांव में, सिर्फ पूरे गांव में, पूरे जनसंख्या के बीच में एक नल पूरे प्रदेश में बीएसपी की सरकार आनी चाहिए, जिससे कि जो हर चीज़ों के लिए सबसे बेस्ट है। तो ये थी सरोज कुरिल जी, जिनका ये कहना था कि घाटमपुर में पानी की समस्या बहुत है और इसके साथ ही साथ अपराध है जो कि सपा की सरकार में रहता है, ऐसा उनका कहना है। अब ये तो बाद में पता चलेगा जब जनता वोट देगी कि वहाँ से कौन जीतता है और कौन हारता है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल।